हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बस सबसे पहले उठते ही मैंने गैस साफ करी थी और गैस साफ करने के बाद मैंने बर्तन करे हैं। बर्तन यहाँ पे हो चुके हैं, अब मैं रखने वाली हूँ अपने लिए चाय। तो मैंने कर लिया है मेकअप। मेकअप करने के बाद मैं रेडी होने वाली हूँ, और रेडी होने के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं ये बाद में बताती हूँ। पहले मैं गुड न्यूज़ देती हूँ कि मैं वापस से अपने पुराने कपड़ों में फिट होने लग गई हूँ। सेम वेट तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अरे नहीं, आप जब तक फर्स्ट आओगे अगेन अगेन करते रहोगे क्या? चलो जाने, हार गई है अब देखिए। फिर हार गए आप। अब शूज की मिस्टेक है, ये लास्ट है शो ना, उसके बाद चल रहे हैं हम। अगर आप फिर नहीं करे तो नहीं करे, करने तो नहीं से मैं ना। क्या कोई नहीं सुना, चलो हो जाता है समटाइम्स। तो हम लोग आए हैं नॉर्थलैंड शॉपिंग करने के लिए। किया की और शान की बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, और भी छोटे मोटे काम है मेरे जो बहुत पेंडिंग थे, और आज हम फाइनली निकले सब काम खत्म करने के लिए। तो आज का सबसे पहला काम है हेयर कट। हेयर कट क्या करना है, मुझे सिर्फ नीचे से ट्रिम कराने हैं, क्योंकि 1.5 साल हो गया था हेयर कट लिए हुए। एक्चुअली मैं पर्पसली इन्हें स्ट्रेट करना चाहती थी, क्योंकि मेरे स्टेप में लेयर्स थे, कटिंग ऐसी हो रखी थी, तो मैं इन्हें लॉन्ग करके स्ट्रेट रखना चाहती थी, इक्वल रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे अब लेयरिंग नहीं चाहिए थी। अब मैंने सिर्फ नीचे से हल्के हल्के से ट्रिम कराए हैं, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं, तो मैं लॉन्ग हेयर रखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। चल रहा है मेरे पीछे से, आपके लिए रखा हुआ है, मेरे लिए भी है, फिर ठीक है, ओके। सो आज तो हाँ सही, देखो बिल्कुल सही, इक्वल काटे हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम कट करवाया, कितने टाइम हो गया, 1.5 साल तो हो ही गया मुझे आए हुए, तो मैंने फर्स्ट टाइम हेयर कट करवाया है। आपकी हेयर कटिंग कितने लगते हैं बताओ? 30-40। किया के हमने करवाए थे, किया के भी ऐसे लगे थे ना, 30-40 ही लगते हैं क्या के भी। ये भी करवानी है? और मेरे 25 नहीं। करवा लो। क्या करवाऊँ इसको, ट्रिम करा दूँ बस पैक से? कराओ कराओ कराओ, बाद में करा लेना। टिश्यू भी है मेरे पास। और अब मैं करवाने वाली हूँ आईब्रोज और अपर लिप्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सर्विसेज बहुत कम करवाती हूँ, इन 1.5-2 साल में मैंने मुश्किल से 1 या 2 बार ही करवाए हैं। रीज़न बीइंग कि बच्चे कहाँ पे रखूँ, किनके साथ छोड़ूँ, और इतना टाइम राहुल के पास होता नहीं था, तो मैं ये सारी चीज़ें मैं खुद से ही कर रही थी घर पर। बट अब जब भी मुझे मौका लगता है, या फिर ऐसा होता है कि राहुल के पास टाइम होता है, तो मैं बाहर से करवा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ये सब चीज़ें घर पर करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्या बात कह रही थी आपके कान में? कौन इंसान है ये? मुझसे कहती थी मम्मा आपके आईब्रोज ना पापा की तरह लग रही है। आज ठीक हो गई? इतनी पढ़ी लिखी से कैसे लगने लगी मम्मा? ना आईब्रोज कराते ही 10 मिनट में पढ़े लिखे बन जाओ। क्या हुआ, उठ गई? लगी हुई है, ये तो अपना पेट खुद भर रही है। कराने से कोई हां, ना पीछे शॉप है। हां जी, तो अब हम जा रहे हैं स्वेटर देखने, जो इन्होंने देखा और जो बहुत अच्छा लगा है इन्हें। बहुत अच्छा, अच्छा हाँ, वो तो अच्छा है, अच्छा लगा। ओह
नाइस, ये अच्छी चीज है, ये बहुत सही लगता है, बहुत लूज हो जाएगा जाने एक बार वॉश होते हैं। कोई स्मॉल साइज ले लो, लूज अच्छे लगते हैं कपड़े। तो अब मैं आई हूँ शान को फीड कराने के लिए, और शान को फीड कराने के बाद इस फीडिंग रूम का, इस फीडिंग एरिया का एक टूर दूंगी कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे छोटे बच्चों के टॉयलेट्स अलग होते हैं, ये जो फीडिंग एरिया होता है यहाँ पे टॉयलेट्स होते हैं। अगर नहीं पता हो तो ज़रूर जाके चेक करना, ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं, बच्चे बहुत ईजीली यूज़ कर पाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे से कैबिन फीडिंग के लिए, और बहुत कम्फर्टेबल चेयर है, और साथ में एक मिरर है अगर अपना भी कुछ टचअप करना है तो उसके लिए। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद सामने है डायपर चेंजिंग टेबल, यहाँ पे डायपर चेंज करने के साथ साथ डायपर्स भी मिल जाते हैं, सिर्फ एक कॉइन्स डालो और इजीली डायपर ले सकते हो। इसके ऑपोजिट साइड है माइक्रोवेव, अगर कुछ भी हीट करना है बच्चे के लिए, कुछ भी खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे बहुत इजीली हो सकता है। करेंगे हम अपनी की डालेंगे फिर। नॉट बैड है, ले लो ये दिखाना जरा। स्काई देख रहे हो, बस अब थोड़ी देर बारिश होने वाली है। तो अब मैं बना रही हूँ डिनर, डिनर में बना रही हूँ मैं पुलाव। पुलाव क्या है, बेसिकली उबले हुए जो चावल हैं उसी के अंदर वेजिटेबल डालने वाली हूँ। मैं डालने वाली हूँ मशरूम और स्वीट कॉर्न, अदरवाइज मैं कैरेट और आलू भी डालती हूँ, वो इसलिए डालती हूँ क्योंकि उन्हें पकने में टाइम लगता है, और जब मुझे जल्दी बनाना होता है मैं वो वेजिटेबल्स डालती हूँ जो जल्दी से पक जाए। तो ये है मेरा क्विक डिनर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, चैनल अच्छा लगा है, हमें से कोई भी अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।